मैं सुश्री चामी मुर्मू और मैं सरायकेला खरसावां जिला की हूँ, झरखाड़ से हूँ। और मैं अभी इस पद्मश्री अवार्ड मिलकर के मैं बहुत खुश हूँ। और अपना क्षेत्र में जो भी हम समाज सेवा के लिए कार्य किए हैं, पर्यावरण के बारे में, सामाजिक ये क्षेत्र के बारे में, तो उसमें हम 2009 से ही काम शुरू किए हैं, लेकिन कभी नहीं सोचे थे कि मैं इस ये में पद में पहुंचेंगे और ये अवार्ड हमको प्राप्त होगा। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। कितनी जागरूकता और आपको लगता है कि आएगी अगर इस अवार्ड को मिलने से, जैसे कि झारखंड जैसे क्षेत्र में आपको मिलता है, खासतौर पर उस कम्युनिटी में जिस कम्युनिटी से आप आते हैं? हम लोग अपने आदिवासी क्षेत्र से ही आते हैं और बहुत खुश हैं कि आज जो हमारे क्षेत्र के आदिवासी महिला पहले घर से नहीं निकलती थी, सिर्फ अपना घर में ही चूल्हा चौका अपना घर तक के सीमित थी, आज वो लोग बाहर निकल रही है, अपना बैंक में पैसा जमा कर रही है, स्वरोज के लिए बाहर निकल रही है और खुद अपने रोजगार के लिए वो लोग मेहनत कर रही है। और इसमें हम अपना जिला में अभी तक हम करीब 3000 महिला स्वयं सहायता समूह ग्रुप को गठन करके हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। I have to thank my God for his compassion, for his kindness, for his mercy, and I pray to God, and God gives whatever, you know. If he thinks I deserve, of course he knows best. My Bhagwan knows. Yes, that's true. But everyone has dreams. Yeah, I think it's our Pradhan Mantri ji, you know, Shri Narendra Modi ji, and Bharat Sarkar. उन्होंने मेरे जो कला मैं नृत्य करती हूँ, शास्त्रीय भरतनाट्यम और फिल्मों के साथ जो जुड़ी हुई थी, वो उनके लिए मुझे ये पद्म विभूषण में बहुत बड़ी इतना क्या बोलूँ मैं। पद्मश्री तो मुझे मिला था 68-69 में, काफ़ी साल हो गए। अभी ये पद्म विभूषण तो बहुत बड़ी बात है। तो I am so happy and at the same time humbled. वो बहुत खुशी की बात है। इंडिया भारत हम लोग को दिया चाहिए, इसलिए हम पूरा धन्यवाद दे रहे हूँ। हमको इतना दूर से अंडमान निकोबार आइलैंड में रहती हूँ, मेरा को भी ढूंढ के मेरा को भी इसरा जमान दिया, तो हम पूरा पूरा धन्यवाद दे रहे हूँ। हम लोग को भारत सरकार को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करते, इसलिए मेरा को भी मिल चुका। फार्मिंग खेती करते किसान। कितने साल हो गए आपको? कितने साल हो गए? मेरा को 6 क्या बोलता 60 साल उम्र होगी। आपको उम्मीद थी कि इतने बड़े अवार्ड से आपको सम्मानित किया जाएगा? आर्ड वर्किंग करते मेरे बच्चा लोग पाले, इसलिए हमको खेती भी करे, सोशल वर्क भी करते, हम लोग देश के लिए भी काम करते, इसलिए देश आके पढ़ना करके जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, इसका बारे में हम पूरा काम भी करता है, सबको अगल बगल सबको मदद भी करता है, सोशल वर्क भी करता, खेती भी करता, फार्मिंग करता, बच्चा लोग पढ़ाने के लिए मोदी जी बोला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये काम भी हम करता। अगल बगल कोई बच्चा लोग नहीं पढ़ाया, वो लोग भी आके बोल के बता के पढ़ने के लिए भी भेज जाता, इसलिए हम बहुत हमको अभी तक हम काम करते, अभी काम करके सबको परिवार को पालते, अगल बगल मेरा घर में काम करता वाला लोग भी पूरा मदद करता है, आइडिया करता है, बच्चा लोग को नहीं पढ़ाया वाला लोग सबको बेच के
पढ़ाने के लिए। पहले बोलता है पढ़ने नहीं सकेगा बोला, उसको अभी कॉलेज तक पढ़ते उसको पढ़ाने के लिए हम आइडिया दिया। इसलिए हम भारत सरकार हमको इतना सम्मान दिया करके बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा को आशीर्वाद भगवान आपके लिए सबके लिए। सारी जिंदगी हमने तपस्या की है, माज के संगीत की, उसका फल मिला है हमको और जीवन सार्थक हो गया। मनुष्य योनि में आए कुछ करके जाए तो अच्छा रहे, खाया पिया घर मकान बनाया उससे क्या मतलब, कुछ करके जाए, कुछ करना चाहिए। तो बहुत ही प्रसन्नता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और मोदी जी और भी आप शाह जी ने बहुत अच्छा किया है, ये अवार्ड दे करके मैंने, मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूँ। मेरे पूर्वज प्रसन्न हो रहे होंगे आज, मेरे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी से होता आ रहा है, हमारा लोक नाट्य है ये। मेरे दादा बा ग्रैंड फादर गुरु उस्ताद कालू राम जी साहब, उन्होंने शुरू किया था। सारी रात चलता है, 10 बजे शुरू होता है, सुबह ख़त्म होता है। उसमें एक्टर खुद गाता है, करीब करीब समाज सारे गाने में ही होते हैं। तो वो एक विधा है जो 150-200 बरस पहले से चल रही है ये। 50 बरस तक जब टीवी नहीं था, रेडियो और कुछ नहीं था, सब लोग इसी में आनंद मनाते थे, खूब होता था, अब नहीं हो रहा है। गुड इवनिंग एवरीबडी, ANI व्यूअर्स, दिस इज अ ग्रेट हॉनर टू माई हस्बैंड मिस्टर कैप्टन विजय कौन, इवन दो इज नॉट अलाइव नाउ। Such a great award given by the central government for his movies and the political career and the social service for the 45 years he did for the Tamil Nadu people and total Tamil Nadu, all over the Tamilians in all over the world. So this honor was given by the central government. I sincere thanks to the central government for giving such a wonderful and great award to my husband. I tribute this award to my husband and the all Tamilians all over the world and the party people of DMGK, and it's a sincere thanks to our Prime Minister and the central government and President also. So because of his legacy of Captain, everyone, all Tamil peoples used to call him Captain only, because 45 years he worked for the people of Tamil Nadu and he did his service to the people. So everyone like Captain. All Tamilians like Captain like anything in the world. So it's a very big loss for me. Without my husband, I'm getting this award. Even then, we have to move on. God is there. So it's a my sincere thanks to government, and I attribute this award to my husband. Thank you. Hi, Sridhar Makam Krishnamurthy. मैं अचीवमेंट्स मैं मेरा ऐसा नहीं मानता हूं। ये शिक्षा क्षेत्र में जो लोग काम किए हैं, जो संस्था काम किए हैं, जो टीम ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बनाया है, इसको ये सब अवार्ड जाता है। भगवान की कृपा है, सरकार की उन्होंने सोचा शिक्षा को एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में काम करने से यदि आपको मिला तो पॉलिसी वाला, तो द इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलिसी, द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिसी, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। सर, व्हाट चेंजेस इट इज गोइंग टू ब्रिंग इन फ्यूचर, दिस पॉलिसी? नो, एक्चुअली दिस एंटायर पॉलिसी is a completely 360 degree change with regard to all dimensions of education, starting from child of 3 years up to lifelong learning. You know, there will be changes in all fields, in schools, colleges, universities, research, every dimension this is going to change.
एज ऑफ नर्स। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।